वेलकम बैक टू माई चैनल मेकअप फॉर एवर। आई नो मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है बिकॉज मैं थोड़ी सी बिजी थी एंड मैं बीमार भी थी, लाइक आई वॉज नॉट वेल एट ऑल वीडियो बना पाऊँ। एंड यस, टुडे आई एम बैक विथ दिस मेकअप ट्यूटोरियल विच इज वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। एंड जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है वेट एंड वाइल्ड प्रोडक्ट्स। अगर आप चाहते हैं मुझे फॉलो करना मेरे इंस्टाग्राम एंड मेरे फेसबुक पे, तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। एंड मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ वो सारी जो है मैं नीचे मेंशन कर दूंगी एंड उसका परचेस लिंक भी दे दूंगी ताकि उसे आप यू नो डायरेक्ट परचेस कर पाए उसे क्लिक करते हुए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसे देखना मत भूलना। अगर आपको नहीं पता है वो कहाँ पे होता है तो आप मेरी वीडियो के टाइटल पे क्लिक कीजिए, एक नीचे आपको एक पेज ओपन हुआ मिलेगा उसे करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मैं वहाँ पे सारी डिटेल्स दे दूंगी। एंड या गाइज लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं फेस को मॉइस्चराइज करूंगी एंड विथ लवेल का कोई मॉइस्चराइजर नहीं था, नहीं होता है, तो इसलिए मैं मेरा जो जॉनसन बेबी मॉइस्चराइजर है उसे यूज करूंगी। एंड उसके बाद में मेरे पास प्राइमर भी नहीं है तो मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर यूज करूंगी, 3-in-1 प्राइमर। पूरी फेस को अच्छी तरह से अप्लाई कर लूंगी डैब डक करके, उसके बाद स्प्रेड करके अप्लाई कर लूंगी। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ शेड लाइट मीडियम बेज, अपने दो जो डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे उस अप्लाई करके फिर उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने कल ही खरीदा है स्कैनर से, इसका प्राइस बस 50 रुपीज़ है। तो मैं बस थोड़ा सा ब्लेंड करके इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन इन दी शेड डेजर्ट बेज अप्लाई करूंगी अपनी पूरी फेस पे। ये जो फाउंडेशन है ये थोड़ा सा वार्म काइंड ऑफ यू कैन से है एंड इससे जो इंडियन स्किन टोन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे जो पिगमेंटेशन होता है, डार्क पिगमेंटेशन होता है हमारे इंडियन स्किन टोन पे, जो अनइवन स्टोन होता है वो उसे भी कैंसिल आउट कर देता है। एंड इसका कवरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड फिनिश भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। ये फाउंडेशन मैट साइड है तो जो स्किन ऑयली स्किन वालों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये फाउंडेशन मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा यू नो डार्क है, लाइक थोड़ा सा मेरे जो इनर पार्ट है मेरे फेस का वहाँ पे थोड़ा सा डार्क लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसे मैनेज कर लेंगे क्योंकि इसके बाद हम अप्लाई करने वाले हैं कंसीलर जो कि हाईलाइटेड कंसीलर होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब किया है स्पंज ने। उसके बाद मैं अपनी वेल का सेम कंसीलर यूज़ करूँगी, मैं अपने जहाँ जहाँ हाईलाइट करती हूँ अपने फेस का वहाँ पे मैं हाईलाइट कर लूँगी। एंड ये कंसीलर यू नो आपको, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं अगर, तो आपको पता होगा कि ये कंसीलर मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। ये कंसीलर बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है, इसका कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसका प्राइस रेंज भी 399 है जो मुझे 349 में मिला था, आई गेस मैंने purple.com से खरीदी थी ये वाला। सो ये बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल साइड में बहुत ही अच्छा कंसीलर है, तो इसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी जो ब्यूटी में जो यूज कर रही थी मैं ब्यूटी ब्लेंडर उसका टिप से। सो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जा रहा है एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा इसका जो फिनिश है कितना ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्ट्रोल पाउडर यूज करूंगी कि एंड जिसमें से जो ये जो लाइट शेड है हाईलाइट शेड उसे लेके बस अपना अनोरा एरिया को नोज के ऊपर जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट कंसीलर अप्लाई किया था उसे सेट करने के थोड़ा सा बेकिंग करूंगी, बस थोड़ा सा ही अप्लाई करूंगी उसी स्पंज के हेल्प से। मैं स्पंज की हेल्प से अप्लाई करूँगी क्योंकि इससे ना अच्छा अच्छे से बेकिंग जो है वो होता है। सो मैं रिवर्स कॉन्ट्रोलिंग के लिए अपने चिक्स के नीचे भी इसे अप्लाई कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा है, इसको 5 मिनट रखिए उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का ये आईशैडो पैलेट लूँगी, इसमें से ये वार्म ट्रांजिशन शेड लेके अपने क्रीज में इसे अप्लाई करूँगी, अच्छी तरह से बिल्ड करती रहूँगी इसे धीरे धीरे, जब तक मुझे अपना डिजायर्ड कलर नहीं मिल जाए तब तक। एंड मैं इसे एक फ्लफी ब्रश जो है बिग फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से। एंड आप देख रहे हैं कैसे मैं इसे अपने क्रीज लाइन के साथ लेते हुए पूरी आइस के ऊपर एक विंग देते हुए कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्लीन ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से पूरी जो एक्सेस पाउडर है उसे निकाल लूंगी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पाउडर है, इतना अच्छी तरह से मेरे फेस को ब्राइटन अप किया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा फर्क है। इसका जो प्राइस है ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल सही है। उसके बाद मैंने ये नेक्स्ट जो ट्रांजिशन शेड है इस पैलेट का, जो कम्फर्ट जोन है पैलेट का नाम जो है, उसमें से ये ट्रांजिशन शेड लेके इसमें
एक फ्लैट शीटर मैंने ब्रश लिया है, ब्लेंडिंग फ्लैट शीटर ब्रश। उससे क्या होता है, जो हमारी जो हमको एक प्रिसाइज लाइन अगर चाहिए होता है, एक प्रिसाइज जगह पे ब्लेंड चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, वहाँ पे ब्लेंड करता है। तो मैं अपनी क्रीज लेंथ पे बस ब्लेंड करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये फ्लैट शीटर ब्रश लिया है। एंड मैं इसे भी धीरे धीरे करके बिल्ड करती रहूंगी। मुझे एक डार्क स्मोक्ड काइंड ऑफ लुक चाहिए क्रीज पे, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं कट क्रीज। तो कट क्रीज तभी अच्छा लगेगा जब आपका जो क्रीज है वो एकदम अच्छी तरह से ब्लेंड लगेगा। उसके बाद मैं एक क्लीन ब्रश की हेल्प से इसका एजेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी एंड ब्लेंड कर लूंगी। एंड उसके बाद मैं सेम कंसीलर की यूज करूंगी एंड इसमें एक फ्लैट शेडेड ब्रश को लेके मैं थोड़ा सा लेके अपने क्रीज को कट करूंगी। तो मैं इसे पहले डाउनवर्ड की तरफ लेते हुए पहले इसे लगाऊंगी, अप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं इसे ज्वाइन करती रहूंगी। हम डाउनवर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा कोई मैस का चांस है वो कम हो जाता है। उसके बाद में वही कंट्रोल पैलेट में इसे हाइलाइटिंग शेड देके सेट करूंगी। उसके बाद में जो मेटालिक ब्लू कलर है, फिर सी ब्लू कह सकते हैं आप, इसे लेके फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से बहुत ही प्रिसाइसली मैं ड्रॉ इसमें जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूंगी। एंड उसके बाद ये जो डार्क चॉकलेट ब्राउन शेड है, इसमें शिमरी जो है शिमरी शेड है, इसे एक छोटू सा ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी जो कि बहुत ही प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश है। उसे लेके बस अपने आउटर वी पे से अप्लाई करूंगी, यू नो ज़्यादा जगह पे फैले ना, इसलिए मैंने छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है जो कि बहुत हार्ड है। हार्ड मतलब क्या है, जो बहुत लूज नहीं है, मतलब बहुत इधर उधर फैलता नहीं है, एक जगह पे अपना जो काम है वो करता है। सो ऐसा एक ब्रश आपको चाहिए होगा। उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी अच्छी तरह से विंग शेप में एंड ये डन है। उसके बाद मैं सेम कंसीलर को लेके अपने जो आउटर वी है थोड़ा सा क्लीन कर लूंगी, एक स्ट्रेट लाइन बना लूंगी एंड उसे लगा के उसके बाद फिंगर के हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी एंड दैट्स इट। उसके बाद मैं ट्रांजिशन शेड को लेके जो पहले वाला मैंने यूज किया था एक क्लीन ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लैश लाइन के 1/3 या फिर हाँ 1/3 पे लगाऊंगी मैं। उसके बाद मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश लूंगी एंड जो सेकंड जो ट्रांजिशन शेड था उसे लेके अपने लोअर लैश लेंथ पे बहुत ही प्रिसाइसली से अप्लाई करूंगी एंड बहुत ही यू नो आराम से इसे अप्लाई करूंगी क्योंकि डार्क कलर है। धीरे धीरे बिल्ड करती रहूंगी मैं इस कलर को और लोअर लैश लेंथ पे अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद में डार्क ब्राउन जो कलर जो मैं लास्ट में अप्लाई किया था वी पे आउटर वी पे उसे लेके मैं फिर से अप्लाई करूंगी अपने लोअर लैश लाइन पे, थोड़ा सा डार्क करूंगी क्योंकि मेरा जो पूरा आई लुक लगता है कि वो बैलेंस दिखे। सो उसके बाद में फिर से एक क्लीन ब्रश लूंगी एंड जो एजेस है अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी एंड उसके बाद में वेट एंड वेल का मेगा लेंथ मस्कारा लूंगी एंड उसके बाद में आई लैश को कर्ल कर लूंगी कि जो है ये लेंथ देता है, गोल्ड कर्ल वगैरह कुछ नहीं करता। सो मैं अच्छी तरह से इसे अपर लैश में एंड लोअर लैश पे अप्लाई कर लूंगी। ये लोअर लैश के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसका वर्न है वो बहुत ज्यादा पतला है एंड बहुत ईजिली कोट करता है हर एक जो हमारे आई लैश का जो हर एक बाल होता है। पैक का आई लैश अप्लाई कर रही हूँ एंड हियर वी गो, मेरा दोनों आईज का मेकअप कंप्लीट हो गया है एंड उसके बाद मैं मेगा ग्लो का कंटूर पैलेट लूंगी एंड उसमें से जो कंटूर शेड है उसे एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से मैं लेके, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है तो बहुत ही कम अमाउंट पे ले एंड उसके बाद मैं इसके रिवर्स कंटूर करूंगी एंड जो जो उसका हाईलाइटर वाला पाउडर था ये इतना ज्यादा ब्राइटन अप किया है मेरे रिवर्स कंटूरिंग को, उस वजह से यू नो शायद मैं अगर कंट्रोलिंग नहीं भी करती तो चल जाता क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा इसका जो हाइलाइटिंग पाउडर है। तो मैं अपने फोरहेड को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर लूंगी क्योंकि मेरा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है एंड उसके बाद मैं नोज को भी कंट्रोल कर लूंगी एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से एंड उसके बाद सच से ब्लेंड भी कर लूंगी कि नोज का जो कंट्रोल होता है वो बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। उसके बाद में मेगा लास्ट लिप कलर लूंगी एंड अपने चिक्स पे इसे अप्लाई करूंगी क्योंकि मेरे पास कोई भी ब्लश नहीं था सो इसलिए मैं इसे लगा के उसके बाद अपने दो फिंगर के हेल्प से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी टैप टैप करके। आपको यू नो स्वाइप नहीं करना है, आपको टैप टैप करके इसे ब्लेंड करना है। ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है ब्लेंड करने में लेकिन ये ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैं हाईलाइटर लूंगी एंड ये जो शेड है मेरा प्रेशियस पेटल्स या प्रेशियस पेटल्स है एंड ये हाईलाइटर ओ माई गॉड दिस इज सो मच सो मच गुडनेस इन इट। इसे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करूंगी। ये इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हाईलाइटर शेड है, आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं इसे अगर आप यू नो डस्की स्किन टोन है, मेरे ऐसे स्किन टोन है, बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगेगा, एक ग्लोई लुक आपको मिलेगा। तो मैं नोज के ऊपर यू नो मैं कुछ ज्यादा ही हाईलाइट कर रही थी लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा ज्यादा हो गया
तो मैंने उसके बाद उसे स्पंज हेड थोड़ा सा डैप डैप कर लिया था. सो मैंने फोरहेड के ऊपर जहाँ पे यू नो आर्च के ऊपर आईब्रोज के आर्च के ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया था कि वहाँ पे हमारा लाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है, तो फोरहेड के बीचों बीच मत अप्लाई करना. उसके बाद मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अपने इनर कॉर्नर्स को अच्छी तरह से हाईलाइट कर लूंगी, क्योंकि जो है डार्क मेरा आई है तो और ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा अगर अपने इनर कॉर्नर जो है अच्छी तरह से हाईलाइट किया हुआ हो. तो अच्छी तरह से हाईलाइट करने के बाद मैं अपनी ब्रो बोन को भी सेम ब्रश की हेल्प से इसे हाईलाइट कर लूंगी. एंड ये इतना ज्यादा अच्छा हाईलाइटर है, मैं क्या बताऊँ उसका प्राइस. इसे मुझे अच्छा नायका पे सेल पे मैंने लिया है. सो इसके बाद में मेघालस जो सेम लिपस्टिक है उसे लेके मिस जो शेड है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि मैं कौन सा शेड जो है यूज किया है. तो मैं लाइन कर लूंगी टिप से एंड उसके बाद पूरी लिप्स को फिल कर लूंगी. ब्यूटीफुल रेड कलर है. उसके बाद टिश्यू लेके मैं उसे ना थोड़ा सा एक्सेस जो शाइन है तो निकाल लूंगी. Final look, and I hope you guys enjoyed it. I tried to make it more in bold side, like you know, red lips, dark eyes. I don't know आपको ये कैसा लगा, लेकिन मुझ पे ये कैसा लग रहा है ये look, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए. I hope you guys enjoyed watching this. अगर आपने किया है enjoy तो एक like तो बनता है, and you can share this video with your friends and family. And I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care, and I love you all.